सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लोर विद जुबैर। और दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो आपके लिए लाया हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, और यहाँ पे मैंने काफ़ी इस पर रिसर्च की हुई है और उसके बाद मैं लाया हुआ हूँ, क्योंकि इस चीज़ की मुझे भी रिक्वायरमेंट थी, तो मुझे यहाँ पे कुछ ज़्यादा अच्छे से रिसर्च करनी पड़ी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 3 सबसे बेस्ट हार्ड डिस्क जो कि एक अफोर्डेबल प्राइस में यहाँ आपको मिल सकती है। 1 TB यहाँ पे मैंने लिया हुआ है स्पेस स्टोरेज फॉर हार्ड डिस्क, और यहाँ पे मैं बताऊँगा कि सबसे अफोर्डेबल प्राइस में, और यहाँ पे मैंने जो लिमिट ली रखी है वो 4000 रुपीज़ ले रखी है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 3 बेस्ट हार्ड डिस्क 1 TB स्टोरेज अंडर ₹4000। सो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। सो दोस्तों, विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारी सबसे पहले नंबर पे हमारी जो सबसे पहली हार्ड डिस्क आ जाती है वो WD की तरफ से आ जाती है, और ये जितनी भी हार्ड डिस्क मैं बता रहा हूँ ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है। यहाँ पे लाइक आपने लैपटॉप लिया 256 GB है, मैकबुक 256 GB है, 512 GB, तो एक टाइम के बाद में वो स्टोरेज फुल हो जाती है और हमको इशूज़ आने लगते हैं। और सबसे बड़ा इशू तब होता है जब आपके लैपटॉप में एक एक्स्ट्रा स्लॉट ना दिया हो, तब आपको ज़रूरत पड़ती है एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या SSD की। SSD बेसिकली ज़्यादा हाई स्पीड होती है लेकिन महंगी भी होती हैं, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं जाके। लेकिन हार्ड डिस्क यहाँ पे एक हमको रीजनेबल प्राइस में मिल जाती है। तो यहाँ पे पहली हार्ड डिस्क हमने WD की तरफ से लिए है, ये आपको 1.5 TB स्टोरेज दे देती है, दैट मीन्स 1500 GB। और मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ इसके स्पेसिफिकेशन, इसकी स्पीड एंड ऑल, और इसके जो एक्चुअल स्पीड है वो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। तो अप्रॉक्स 100 MB के आसपास यहाँ पे इसकी स्पीड है, और यूजुअली 100, 110, 120 के आसपास स्पीड ये दे देती है। तो दोस्तों, यहाँ पे अप्रॉक्स 120, 110 इस हिसाब से हमें MB/s स्पीड मिल जाती है। और इसके साथ आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक USB Type-C केबल मिल जाती है, एक USB Type-A केबल मिल जाती है, उसके साथ में कवर मिल जाता है इसका हमें हार्ड डिस्क का रखने के साथ में। और इसके अलावा यहाँ पे 3 ईयर्स की आपको वारंटी मिल जाती है जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव यहाँ पे लगती है। और दोस्तों, इसकी जो प्राइस है अप्रॉक्स 4000 के अप्रॉक्स आपको मिल जाती है, और यहाँ पे 1.5 TB की हार्ड डिस्क यहाँ पे मिल जाती है, तो मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगती है ये। और इस प्राइस रेंज में मुझे लगता है कि आपको इसके लिए जाना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे दूसरे नंबर की जो हमारी हार्ड डिस्क आ जाती है वो टोशीबा की तरफ से आ जाती है, टोशीबा कनीवो फ्लैक्स 1 TB की यहाँ पे ये स्टोरेज है, और ये 4 TB में भी आती है, और जितने भी आपको हायर स्टोरेज वेरियंट लेने हो तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, ज़रूर जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो इसकी भी प्राइसिंग 4000 रुपीज़ है, लेकिन ये यहाँ पे 1 TB मिलती है, और हमको जो WD में मिलती थी वो 1.5 TB मिलती थी। अब यहाँ पे अगर मैं स्पीड की बात कर लूँ तो यहाँ पे भी अप्रॉक्स आपको 130-140 MB/s की स्पीड मिल जाती है, जो WD से मुझे लगता है थोड़ा सा बेटर है। अगर मैं इम्प्रूवमेंट बोलना चाहूँ तो 25-30% फास्ट है यहाँ पे हमारी जो टोशीबा की हमारी हार्ड डिस्क है। इसके अलावा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे कि इसके साथ में हमें 2 केबल्स भी मिल जाती हैं, एक Type-C2C और एक Type-C2A केबल मिल जाती है, जिसके थ्रू आप USB 3.1 के कनेक्शन के थ्रू यहाँ पे 130-140 MB/s के हिसाब से यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे तीसरी और फाइनल हम हार्ड डिस्क की बात कर लेते हैं, और आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं ये आ जाती है Seagate की तरफ से, Seagate अल्ट्रा टच, ये भी 1 TB की स्टोरेज के साथ में आपको देखने को मिल जाती है। और आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा बेस्ट सेलिंग हार्ड डिस्क है यहाँ पे Flipkart में। इसके भी प्राइसिंग अप्रॉक्स 4000 है सेल्स वगैरह में, वैसे नॉर्मल प्राइसिंग इसकी 4400 रुपीज़ रहती है, लेकिन सेल वगैरह में छोटी मोटी सेल्स भी चलती है तो 4000-3800 रुपीज़ की आपको मिल जाती है बड़ी ही आसानी से। 1 TB के अलावा इसमें और भी हायर स्टोरेज वेरियंट में आते हैं, और प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है, तो अगर आपको एक हायर स्टोरेज चाहिए तो आप इसी में हायर स्टोरेज के लिए भी जा सकते हैं। सो दोस्तों, अगर इसकी मैं ट्रांसफर स्पीड बात कर लूँ, आपको लाइव इमेज दिखाता हूँ, तो इसमें भी 120-130 MBPS की स्पीड यहां पे देखने को आपको मिल जाती है, जो कि मुझे लगता है कि हार्ड डिस्क के हिसाब से बहुत ही अच्छी स्पीड है और कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा आपको। इसके अलावा दोस्तों, इसके साथ में आपको एक केबल मिल जाती है और एक कनेक्टर मिल जाता है, आपको Type-A to Type-C यहाँ पे एक केबल मिल जाती है, और एक Type-C कनेक्टर भी मिल जाता है अगर आपको Type-C to C लाइक MacBook से कनेक्ट करना है। तो
तो दोस्तों यहां पे अगर आप लास्ट में स्पीड देखना चाहें इसकी जो मैंने की हुई है तो 137 यहां पे रीड स्पीड और 135 यहां पे हमको राइट स्पीड देखने को मिलती है, जो मुझे लगता है कि हार्ड डिस्क के हिसाब से 130 140 150 एमबीपीएस के काफी अच्छी स्पीड है। और अगर आप बहुत ज्यादा 4K या 8K वीडियो शूट नहीं करते हैं और आपको बहुत ही ज्यादा 500GB 1TB ऐसी स्टोरेज ट्रांसफर नहीं करनी है तो मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर हार्ड डिस्क ज्यादा सही रहेगी इन कंपैरिजन टू SSD और एनी अदर टाइप सी और टाइप ए पेन ड्राइव आल्सो। तो 150 एमबीपीएस मुझे लगता है बहुत ही अच्छी स्पीड है, लगभग 100GB की फाइल्स आप आराम से 10 मिनट में यहाँ पे 15 मिनट में ट्रांसफर कर पाएंगे, जो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी बात है। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको 3 हार्ड डिस्क बताई, तीनों अलग अलग कंपनी से आती है, एक WD की तरफ से, एक टोशीबा की तरफ से और एक Seagate की तरफ से। तीनों की प्राइसिंग 4000 के अप्रॉक्स है और तीनों यहां पे 1TB में आपको देखने को मिल जाती है, जबकि WD में आपको 1.5TB को देखने को मिल जाती है इसी प्राइस रेंज में, क्योंकि अभी फिलहाल में ऑफर चल रहा है। सो दोस्तों आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। सो दोस्तों अगर आपको कोई भी इनमें से हार्ड डिस्क खरीदनी है, मैं बेस्ट बैंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां से जाके खरीदेंगे तो चैनल को भी सपोर्ट हो जाएगा और आपको भी बेस्ट बैंग लिंक मिल जाएगी विदाउट एनी कंफ्यूजन। सो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, कैच यू इन द नेक्स्ट लेडर।